हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे कुछ अपने नए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु वाज द राइटर ऑफ आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। ठीक है, ये एक बुक है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। तो इसके आपके लेखक राइटर कौन है? इसके राइटर हैं आपके भजन सिंह सिंह। ठीक है, भजन सिंह सिंह, इनके सिंह जो है इन्होंने अपने साथ नाम में जो है वो जोड़ लिया। अगर इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म जो होता है वो आपका पौड़ी गढ़वाल में होता है 1905 में। ठीक है, इनको आपका जो उत्तराखंडी कवीर भी ये कहा जाता है, क्या याद रखेंगे? उत्तराखंडी कवीर जो है भजन सिंह सिंह को कहा जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें, जो आपका मुकुंदीलाल है, मुकुंदीलाल ने आपके क्या लिखी है? मुकुंदीलाल ने आपका गढ़वाल पेंटिंग, मौलाराम के चित्र जो है आपके वो लिखे हुए हैं। शेखर पाठक की बात करें तो उन्होंने आपका कुली बेगार जो प्रथा है उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी है। शिव प्रसाद डबराल, इनको तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। तो साथ में आप ऑप्शंस के साथ भी जो है, ऑप्शंस के साथ भी आप पढ़ते रहेंगे तो इससे होगा क्या, आप जब ये एमसीक्यू कर रहे होंगे तो उससे आपको इन चारों के बारे में देखो आपको पता होगा। इस तरीके से आपको एमसीक्यू जो है वो करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज कूर्मांचल केसरी, कूर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो कूर्मांचल केसरी के नाम से जो है आपका बद्रीदत्त पांडे जो है, बद्रीदत्त पांडे आपके कूर्मांचल केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो 1921 में जब आपका क्या होता है, 1921 में जब आपका जो कुली बेगार प्रथा है, कुली बेगार रजिस्टर आपके बाहर दिए जाते हैं और उसके बाद ही आपका जो बद्रीदत्त पांडे है इनको कुमाऊं केसरी या कूर्मांचल केसरी की जो है उपाधि इनको दी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर अगर हम गढ़वाल केसरी की बात करें, गढ़ केसरी की बात करें तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को आपका क्या बोला जाता है? गढ़वाल केसरी के नाम से आपका जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, In which of the following fair the stone pelting stone warfare is prevalent? किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है? तो ऐसा कौन सा मेला है? वो मेला है चंपावत का देवीधुरा मेला, जिसको आपका किस नाम से जाना जाता है? भगवाल नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन के दिन आपका ये खेला जाता है। बाराही देवी का यहाँ पे मंदिर आपका है और मुख्यतः अगर हम बात करें महर और जो फरतियाल जाति वाले हैं वो लोग इस मेले की परंपरा को आपका क्या करते हैं, परंपरा को आपका आगे बढ़ाते हैं। तो ये कौन सा मेला है? ये आपका देवीधुरा मेला। हालांकि आजकल जो है वो पत्थर के बदले जो है वो फूलों का जो है प्रयोग होने लगा, क्योंकि पत्थरों से जो है नुकसान आपका बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड आज का जो है वो है देवीधुरा मेला, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ कुमाऊं? आप सभी को बताया 1815 में, 1815 से पहले जो था आपका गोरखा राज्य था, ठीक है, गोरखा शासन था। 1815 के बाद आपका कौन लोग आए, उसके बाद आपका ब्रिटिश शासन यहाँ पे आया। तो ब्रिटिश लोग जो है यहाँ पे कमिश्नर के थ्रू अपना शासन चलाते थे, तो सबसे पहले जो है वो आपके ई गार्डनर है, कितने महीने रहे? 9 महीने रहे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके कौन आए? सेकंड नंबर पे आपके जो है वो ट्रेल आपके बन के आए। अगर हम ई गार्डनर की बात करें तो अल्मोड़ा टू श्रीनगर, ठीक है, केवल एक जगह पे जो डाक व्यवस्था है वो आपका किसने चलाई? वो आपकी गार्डनर ने चलाई। साइन जो होंगे, साइन जो होते हैं संगोली की संधि, वो ई गार्डनर के थ्रू आपके होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 365, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ उत्तराखंड अवार्डेड द्रोणाचार्य अवार्ड? द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड की पहली महिला कौन है? तो वो आपकी जो उत्तराखंड की पहली महिला जो है वो आपकी कौन है? हंसा मनराल। जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है किसको दिया जाता है? जो कोचेज होते हैं। अब इनकी बात करें तो जो वेट लिफ्टिंग है, भारोत्तोलक है, भारोत्तोलन वाले में इनको आपका जो है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो 2001 में इनको आपका दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 366, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज शेयर्ड बाई पौड़ी गढ़वाल एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट? तो ये आपका कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है 1936 में सबसे पहले इसको हेली नेशनल पार्क नाम दिया गया, फिर इसको रामगंगा नेशनल पार्क बोला गया और उसके बाद इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका बोला गया। ये दो जिलों में आपका है, पौड़ी गढ़वाल जिले में और आपका नैनीताल जिले में। पौड़ी जिले की अगर हम बात करें, पौड़ी जिले में लगभग आपका 312 कुछ है, 312.76 और ये है 208.8 जो है स्क्वायर किलोमीटर। टोटल कुल मिला के अगर हम बात करें 520.82 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका आपका कंप्लीट एरिया है। ओके, तो ये आपको ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आपके पूछे जाते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क से, एशिया का सबसे पहला आपका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्ग अंडा बुग्याल ये सब क्या हैं? घास के मैदान है, ठीक है, ग्रीनलैंड, ग्रीन ग्रास लैंड। ओके, ये घास के आपके मैदान है।
तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ये है, अर्घ जो है वो दून वैली से रिलेटेड आपका नहीं है, वो आपका क्या है, बुग्याल से। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा होगा, आपने वेदिनी बुग्याल पढ़ा होगा। ठीक है, वेदिनी बुग्याल सबसे बड़ा जो बुग्याल है वो आपका कौन सा है, वेदिनी बुग्याल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368, छोटा कैलाश इज सिचुएटेड इन, छोटा कैलाश आदि कैलाश जो है वो आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, इन विच डिस्ट्रिक्ट, इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following districts of Uttarakhand is not connected by rail transport? Okay, देखिए, देखना पड़ेगा। पौड़ी है, बिल्कुल, कोटद्वार तक आपकी ट्रेन जाती है, देहरादून, तो देहरादून तक आपकी ट्रेन है, नैनीताल की बात करें, काठगोदाम या हल्द्वानी तक आपकी, काठगोदाम तक ट्रेन है, टिहरी गढ़वाल में आपका ट्रेन नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो गया, इसका सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 370, हु इज फेमस फॉर द सक्सेस ऑफ नंदा देवी अभियान इन 1981? ओके, 1981 में नंदा देवी अभियान के लिए जो है वो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट है, कौन से, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, जो नंदा देवी अभियान है 7817 मीटर आपका है। ठीक है, जो हर्षवंती बिष्ट है उनका आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, पौड़ी गढ़वाल से है, इनको आपका ज्ञानी जैल सिंह द्वारा अर्जुन अवार्ड से भी आपका जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, इनका संबंध आपका कहाँ से है, निम से है। ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। ओके, इस तरीके की आप चीजें याद करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 371, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओके, ठीक है, यही आपका, यह जो गेंदी मेला है ये आपका कहाँ पे है, गेंदी मेला आपका पौड़ी गढ़वाल में खेला जाता है, कहाँ पे, मकर संक्रांति के दिन, रकबी जैसा जो आपका गेम होता है वही आपका है, एक राम तिवाड़ी जी थे 1877 में उनने आपका ये शुरुआत की थी, तो गेंदी मेला जो है वो रिलेटेड है आपका पौड़ी गढ़वाल से, तो उसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 372, वेरी इजी क्वेश्चन है, रैणी विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट इज वेल नोन फॉर द फॉरेस्ट मूवमेंट। ओके, किसके लिए है भाई, चिपको आंदोलन के लिए, किसके लिए है, चिपको मूवमेंट के लिए, 1974, गौरा देवी, ठीक है, बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, रेणी गांव से आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट आपका है। ठीक है, रवई आंदोलन अगर हम बात करें, रवई आंदोलन आपका जो रवई कांड, तिलई कांड 1930 की बात करें, मैती आंदोलन जो है वो आपका, मैती आंदोलन किससे रिलेटेड है, कल्याण सिंह रावत जी से आपका जो है उससे आपका संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 370, ऑथर ऑफ बुक माई इंडिया, माई इंडिया जो बुक है वो आपकी किसकी है, वो आपकी जिम कॉर्बेट की है, किसकी है, जिम कॉर्बेट। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 374, द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ द उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जो जल विद्युत परियोजना है वो आपकी कौन सी है, वो है आपकी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, कौन सी है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1890 से शुरू होता है, 1907 तक इसका कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, जो बिजली उत्पादन होता है वो बिजली उत्पादन आपका कब होता है, 1909 में, कहाँ पे है ये आपका, मसूरी, जो भट्टापाल है। ठीक है, मसूरी में आपका जो है ये है। अगर हम इसके बात करें तो नाम आप याद रखेंगे, ई विलिंग कार्ट, विलिंग हार्ट। ओके, ठीक है, ई विलिंग हार्ट जो है उनने इसकी आपका शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 375, भकार, वेरी इजी क्वेश्चन, भकार जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो खाद्यान्नों के संग्रह के लिए आपका यूज किया जाता है, एक आपका बर्तन टाइप का बड़ा सा आपका होता है। ठीक है, भकार जो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 376, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, ये देखिए, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी, ये आपकी अलग है, जो आपकी गुरुकुल कांगड़ी जो यूनिवर्सिटी है, ये आपकी कब हुई थी, गुरुकुल कांगड़ी 1902, किसके द्वारा हुई थी, स्वामी श्रद्धानंद, इसके द्वारा हुआ था, स्वामी श्रद्धानंद। ओके, क्वेश्चन नंबर 377, अमंग द फोर धाम्स ऑफ उत्तराखंड विच वन इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। ओके, ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, मैं तब तक इनकी जो है वो हाइट आपका जो है वो लिख देता हूं। ठीक है, जो आपका है ये यमुनोत्री 3291, गंगोत्री की हम बात करें 3415, इसकी कौन सी है, 3300, और ये आपका कितना है, 3553, ये सब मीटर में आपकी है। ठीक है, किसमें है, मीटर में, तो आप इसका लगा लीजिए, सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर आपका केदारनाथ है, हालांकि इससे ऊपर भी एक आपका है, वो कौन सा है, तुंगनाथ, कौन सा है, वो है आपका तुंगनाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 378, द कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ टिहरी।
वॉज फॉर्मड इन टिहरी, टिहरी गढ़वाल। देखिए 1804 में आपका श्रीनगर तो होता है, फिर आपका इसमें खुड़बुड़ा का युद्ध आपका होता है, वो राजा प्रद्युम्न शाह आपके हार जाते हैं गोरखाओं से। उसके बाद उनके जो बेटे होते हैं सुदर्शन शाह, वो आपका हरिद्वार भटकते रहते हैं, बाद में अंग्रेजों से वो सहायता लेते हैं। और 1815 में, ठीक है कब, 1815 में 28 दिसंबर 1815 को वो आपका क्या करते हैं, जो है टिहरी राज्य की क्या करते हैं, टिहरी रियासत की राजधानी की आपकी जो है स्थापना आपकी होती है। सुदर्शन शाह इसके पहले आपके शासक होते हैं। अगला क्वेश्चन, टांड टैक्स। टांड कर किसके द्वारा वसूल किया जाता है, बुनकरों से। किससे किया जाता है, वेवर से, बुनकरों से आपका जो है ये वसूल किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, हु पार्टिसिपेटेड इन डांडी मार्च। डांडी मार्च आपकी कब हुई थी साहब, 1930 में हुई थी। हम बात करें साबरमती से हुई थी कहां तक, दांडी तक। किसके विरोध में, जो नमक कानून था, सॉल्ट जो आपका लॉ था, नमक कानून, उसके विरोध में आपका होता है 12 मार्च 1930 से। मैं आपको बता दूं 12 मार्च से आपका जो है वो 6 अप्रैल तक, ठीक है 12 मार्च से 6 अप्रैल, और इसमें आपका कौन था, इसमें आपका ज्योतिराम कांडपाल, ठीक है। टोटल 3 लोग आपके शामिल थे, कितने लोग शामिल थे, 3 लोग। अब यहां पर आप इनके अलावा, ज्योतिराम कांडपाल जी के अलावा आप बताएं वो 2 लोग और आपके कौन थे, उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में भी इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।